नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज है 32 वर्ष। सवाल इनके ये थे कि शादी कब तक हो जाएगी और जिनमें जो इनके गवर्नमेंट जॉब के जो योग हैं कब बन रहे हैं और कब इनको सफलता मिल रही है, तो इस चीज़ को रिलेटेड मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपके हाथ में अगर आपकी जीवन रेखा को देखना चाहूँ तो ये देखिए, आपके हाथ की जीवन रेखा यहाँ पर है और ये यहाँ से इस प्रकार आ रही है। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा पर बारंबार ऑफ शूट बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? जीवन रेखा पर ऑफ शूट आने, सफलता मिलना, घर में प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी मिलना, कोई भी चीज़ में सफल हो जाना, तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी मिडिल एज में बन रहे हैं। तो मान सकते हैं कि देखिए, आप बड़ा भाग्यवान अपनी मेहनत पर करने वाले रहेंगे। बट वो क्या सरकारी नौकरी में होगा, बिजनेस में होगा, प्राइवेट जॉब में होगा, इसको एक बार नज़र डाल लेते। देखिए, स्कूल सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर एक अच्छी सी सूर्य रेखा चाहिए होती है जो कि हाथ में है, बट सीधी नहीं है। जैसे इस ऐसी हो तो ऐसी नहीं है, ये आपके हाथ की रेखा इस प्रकार इस ऐसे है। बाकी टेढ़ी सूर्य रेखा होना और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर होना। देखिए, बड़े सरकारी नौकरी के हाथ में योग नहीं है, क्लर्क कॉन्स्टेबल अगर टाइप की नौकरी करना चाहते हैं तो पूरे पूरे योग हाथ में बने हुए हैं। भाग्य रेखा मान सकते हैं 40वें वर्ष के आसपास मुझे तगड़ा भाग्योदय दिख रहा है। तो अगर सरकारी नौकरी लगती है तो उस एज में लग जाएगी, या फिर मान सकते हैं बिजनेस से इतना पैसा छाप देंगे अपने 40वें वर्ष के आसपास कि आपको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ओवरऑल हाथ काफ़ी मजबूत है, हाथ में काफ़ी मजबूती में रेखाओं के हिसाब से देख पा रहा हूँ। बट एक समय पर आकर देखिए, परमात्मा हर किसी व्यक्ति को अपना अच्छा समय देते हैं और उसी समय पर व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि उस समय से पहले आपको कुछ मिल जाएगा, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलने वाला रहेगा। जीवन रेखा पर 40वें वर्ष के आसपास मजबूती है, भाग्य रेखा में भी 40वें वर्ष के आसपास मजबूती मुझे दिख रही है। बाकी अगर आपके हाथ में आपका मंगल देखेंगे तो मंगल आपके हाथ में मजबूत है, मंगल पर एक मंगल रेखा भी है बट ये भी कट रही है। तो बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी से बहुत फायदा होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो उसमें बड़ा लाभ है आपके जीवन में। शुक्र का क्षेत्र देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा है और यहाँ पर देखें ये रेखा कट भी रही है। जब शुक्र के क्षेत्र इस प्रकार ये रेखा कट जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शुक्र जो होते हैं, देखिए वो लग्जरीज के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, ऐशो आराम के कारक होते हैं। तो व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का बीतेगा कि सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, लग्जरीज अच्छी रहेगी और जीवन में बड़ी सफलता को अगर लग्जरीज का काम करें, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड चीज़ें अगर इस तरह का कार्य करें तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करने वाला होता है। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में आपके शुक्र पर्व द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ का अंगूठा है और अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज यहाँ पर घूमा हुआ है। जब अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज घूम जाता है तो उसका मतलब ये व्यक्ति का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, व्यक्ति नेचर काफ़ी फ्रेंडली होगा। व्यक्ति अपने जीवन में अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मित्र भी बनाने वाला रहेगा, व्यक्ति लोगों में घुल मिल अच्छे से पाता है। सेकंड फैलेंज पर आड़ी खड़ी रेखा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक के साथ अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं बनाती है। अगर मणिबंध देखेंगे तो मणिबंध पर केवल दो ही रेखाएँ हैं, ये सामान्य उम्र देने वाली रहती हैं और मान सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन अच्छा जाएगा अगर व्यक्ति गरीबों के काम आए, किसी से झूठ ना बोले और सत्कर्म जैसे कार्य करे और अच्छे कर्म करे, हमेशा सदैव सच बोले। अगर ऐसे कार्य आप करने वाले रहते हैं तो फिर आपको जीवन बड़ी तरक्की मिलने वाली रहेगी और आप जीवन में मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर रहेंगे। तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके हाथ का शुक्र पर्वत है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये चंद्रदेव है, चंद्रदेव बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, चंद्रदेव का नॉर्मल होना यानी मन की शांति को दिखाता है। जीवन में कैसी भी घटना, कैसी दिक्कत, कैसी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में चंद्र द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी मान के चलेगा, देखिए चंद्रदेव व्यक्ति को मन की शांति के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देने वाले रहते हैं। सबसे पहला, अगर महादेव की युक्ति कैसे भी किसी प्रकार भी की जाए तो आपको बड़ा लाभ जीवन देखने को मिलने वाला रहेगा। तो महादेव की युक्ति अगर करते हैं तो जीवन में बड़ी तरक्की आपको खुद को देखने को मिलने वाली रहेगी। इस तरह के भी आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा पूर्ण योग में देख पा रहा हूँ। और मान के चलिएगा, बहुत सारे शुभ लाभ आपको इस प्रकार ये चंद्रदेव देते हैं, जैसे कि व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध होती है, व्यक्ति व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता चंचलता पाई जाती है। देखिए, भारी मंगल बहुत सारी चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे कि व्यक्ति का बोलने चलने का तरीका कैसा है, व्यक्ति दबाव को सह पाता नहीं सह पाता, व्यक्ति संकट के समय कैसे संकट को टालता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, गुप्त शत्रु से हानि होने के योग, बहुत सारी चीज़ें हम चंद्र द्वारा देखते हैं। तो चंद्रदेव आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं, इनसे रिगार्डिंग कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। अगर यहाँ पर आएंगे, देखिए ये आपका शनि पर्वत है,
शनि पर वी साइन बन रहा है। शनि पर वी साइन बहुत शुभ होता है, ये शनिदेव की असीम कृपा को दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव के अच्छे प्रभाव को पाने वाला रहेगा, बुढ़ापा बहुत आनंद में जाएगा। जीवन में कितनी परेशानी कितनी दिक्कत आ जाए, बट व्यक्ति बुढ़ापे में भाग्योदय कर जाता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में शनि प्रभुत्व में बुढ़ापे के अंदर देख पा रहा हूँ। सूर्य, मैंने जैसे बताया था कि सरकारी नौकरी के बड़े योग नहीं बन रहे। देखिए, सरकारी नौकरी लगना ना लगना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सरकारी नौकरी से फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी से बड़ा फ़ायदा तो मैं अपने हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर एक बार को सरकारी नौकरी लग भी जाती है, जो कि 40 वर्ष में योग बन रहे हैं, तो मध्यम वर्ग का पैसा सरकारी नौकरी से कमाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके के हाथ में योग बन रहे हैं। बाकी आपके हाथ का अगर बुध पर्वत देखा जाए, तो बुध पर दो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर दो सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, ये आपको अच्छा व्यापारी बनाती है। व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। बाकी मान के चलिएगा कि बिजनेस एबिलिटी, बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता भी बहुत अच्छी देखी गई है आपके जीवन में। ये योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहा हूँ मैं, धनुष आकार रेखा बन रही है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन कभी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, या फिर भावनाओं में भरकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। यहाँ पर अगर आपकी पिंकी फिंगर को देखेंगे, तो पिंकी फिंगर छोटी पड़ गई है। इसको सूर्य हिंगली के फर्स्ट लाइन तक जाना था। अगर ये ऊपर पहुंच जाती तो बहुत लाभ देने वाली होती। आप मान सकते हैं कि ये आपको इन्वेस्टिंग से फायदा दिलवाएगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल करना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट और टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी रहने वाली रहेंगी। बाकी इस उंगली का नाखून बढ़ाएंगे तो फायदा मिलेगा, और जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसा आप कहीं भी लगाइए, वो आपके ऊपर रहेगा। बट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टिंग से फायदा है आपके जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में जो दो रेखाएं हैं, देखिए ये दोनों सामान्य अवस्था में, तो इसका मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला सेंसिटिव टाइप नेचर और सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी वाला होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में पूरे योग मुझे रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी मान के चलिएगा कि आप ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर इस प्रकार ये रेखा निकल रही है, ये माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। और देखिए हृदय रेखा पर यहाँ पर द्वीप बन रहे हैं। देखिए ये द्वीप, यहाँ पर द्वीप, यहाँ पर भी हल्के हल्के से द्वीप बन रहे हैं। जब हृदय रेखा पर यहाँ पर द्वीप बनते हैं, इसका मतलब देखिए हार्ट इश्यूज को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को रेखा दिखाने वाली होती है। तो देखिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी शारीरिक क्षमता और अपनी मानसिक क्षमता का ध्यान रखिएगा। वजन मत बढ़ने दीजिएगा, ऑयली फूड का उपयोग कम कीजिएगा, भार का तला भुना कम खाइएगा। अगर ऐसे कार्य करते हैं और भार का तला भुना कम खाते हैं, तो बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, ये आपके हाथ के शनि पर्वत हैं। शनि का क्षेत्र यहाँ पर हल्का सा धुंधला पड़ गया है। जब शनि का क्षेत्र धुंधला पड़ जाए, तो इसका मतलब ये पाया जाता है, यहाँ पर आएंगे आपकी मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा से धुंधली पड़ गई है। जब मस्तिष्क रेखा धुंधली पड़ जाए, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में मस्तिष्क से काम लेकर नुकसान खाने वाला रहेगा। दिमागी स्तर से निर्णय जो भी लेंगे, उनमें बड़ी परेशानी आपको आ सकती है, तो उसी का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क हाथ में जितनी अच्छी होनी चाहिए, उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ आपके हाथ में मुझे रेखाओं द्वारा दिख रही है। मस्तिष्क रेखा में जितनी अच्छी शक्ति होनी चाहिए, उतनी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए जीवन रेखा तो मजबूत है ही, जैसे मैंने पहले बताया था कि जीवन रेखा मजबूती है, और बुढ़ापे में अगर देखें तो दो भागों में टूट रही है। देखिए लगभग हर आदमी जीवन रेखा दो भागों में टूट जाती है। जब जीवन रेखा दो भागों में टूटती है, तो उसका मतलब बुढ़ापे में हेल्थ इशूज आते हैं। बाकी सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहती है, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे वो उद्देश्य सफल होंगे, चाहे किसी भी पर्पज़ को लेके हो, ट्रैवलिंग पर्पज़ सफल होते हैं। बाकी तीर्थ यात्रा के दर्शन भी होते हैं, संतान द्वारा सेवा और पूरा सपोर्ट व्यक्ति में रहने वाला होता है। तो इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में मुझे रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ की भाग्य रेखा देखें, तो भाग्य रेखा देखिए अभी 32वें वर्ष में इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे स्कोप नहीं है, बट देखिए जो ये मजबूत हुई है, ये बहुत अच्छी मजबूत हुई है। बहुत बढ़िया जो मजबूती आई है, वो आई है लगभग 42वें वर्ष के आसपास ही। 40वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, 42वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय आपके में होने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी है। बट इसके अभी धुंधला गई है, इसमें इतना जो अच्छा लाभ है वो मुझे फिर नहीं दिख पा रहा। तो देखिए भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, बट ये देखिए केवल एक टाइम के लिए ही, केवल यहाँ यहाँ के लिए, ना यहाँ पर इतनी अच्छी है, ना यहाँ पर इतनी अच्छी है। तो देखिए भाग्य रेखा मजबूत करने के जो उपाय हैं, आपको धोने वाला रहूँगा, क्योंकि भाग्य रेखा में मजबूती आपको चाहिए ही चाहिए, बट आपको वरना आपको फिर लाभ नहीं मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सौलभ्या मिल गए होंगे। देखिए आपके पाम के लेट क्या है, आपके पाम के लेट ये है कि आपके हाथ में चीज़ें मजबूत हैं, रेखा अच्छी है, बट हेल्थ इशूज़ हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा में इतना दम नहीं है, ये दूसरी दिक्कत है। और तीसरी दिक्कत है छोटी छोटी राहु रेखाएं। तो बस अगर आप इन तीनों चीज़ों के उपाय कर लीजिए,
आपको जीवन बड़ा देखने को मिलने वाला रहेगा। देखिए ऐसा रहेगा कि जो मेरे उपाय होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि एक साथ जादू कर दें, तो आपको हमेशा ही मान के चलिए कि लगातार 10 से 12 साल आपको उपाय करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूं कि आप उपाय करें तो वो हाँ ही बोलना पड़ेगा। एक तो उपाय डेली कीजिएगा, दूसरा मेरे उपाय इस तरह के नहीं होते कि मेरे को उल्टा सीधा कर रहे हो, कोई जादू टोना टोटका हो, नहीं कोई भी ऐसा उल्टा सीधा कार्य नहीं था, सिंपल से और साधारण से मेरे उपाय होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें उपाय को डेली करें, तभी आपको जीवन बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी इसके बाद अगर कोई डाउट है, क्वेरी रह जाए, तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको सारी क्वेरी सॉल्व करके ही आपको अंत में सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। और अपना रिव्यू देना ना भूलेगा, और देखिए उपाय लिखना ना भूलेगा। वीडियो देखने पर तुरंत व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि आपको उपाय किस किस की चाहिए, हम आपको सारे उपाय डिटेल में देने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।